तो यहाँ पे दो पार्ट दिए गए हैं हमको, तो इनमें हमको बताना है कि टोटल कितने ट्राइंगल हैं और इनके नाम बताने हैं। तो देखिए जब मैं इसको देखता हूँ ना यहाँ पे पहले वाले पार्ट को, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं इनके अंदर नेम राइट कर लूंगा इनके, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ठीक है, ऐसे राइट कर लूंगा मैं इसको। तो अभी क्या देखेंगे कि जो ये है ना सिंगल सिंगल, तो मैं सिंगल वाले लिख लेता हूँ पहले, मैं ऐसे राइट कर लेता हूँ कि सिंगल वाले कितने, तो सिंगल वाले कितने हैं, ये टोटल 5 हो गए, तो 5 ट्राइंगल्स तो यहाँ पे बन गए, ठीक है। अब मैं लेता हूँ डबल पेयर वाले को, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं 2 के पेयर, तो 2 के पेयर्स कितने हैं यहाँ पे, देखो 2 के पेयर्स का मतलब है जो दो ट्राइंगल को मिलकर एक ट्राइंगल बनता हो। तो जब मैं इसको देखता हूँ 2 और 3 को, तो एक तो 2 और 3 से आ गया, ठीक है, किससे आ गया, 2 और 3 से। अच्छा मैं इनको और लिख लेता हूँ यहाँ पे, जो 5 ट्राइंगल बने इनका नाम भी तो बताना है हमको। तो पहले का यहाँ पे जो 1 है इसका नाम क्या है, ADE, तो यहाँ पे मैं राइट कर लूंगा ADE, ठीक है, ADE। दूसरे का नाम है DEF, DEF, DEF। तीसरे का नाम है यहाँ पे DBF, DBF। और यहाँ पे चौथे का नाम है EFC, EFC, ट्राइंगल्स हैं सारे, ठीक है, EFC। और पांचवे का नाम है BFC, BFC। अब 2 पेयर्स की बात करते हैं, तो देखिए जब 2 पेयर्स को देखते हैं ना हम यहाँ पे, तो 2 पेयर से हमारा मतलब है 2 ट्राइंगल से एक ट्राइंगल बन रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 से बन रहा है एक ट्राइंगल, 2 और 3 से, तो 2 और 3 से बनने वाले ट्राइंगल का नाम मैं लिख देता हूँ साथ साथ, ये बनेगा डी बी ई, ठीक है, क्या है ये, ट्राइंगल डी बी ई। अगला देखता हूं मैं, 2 और 4 से बन रहा है एक, 2 और 4 से, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, बी ई, अच्छा ये है इसका 2 4 से बनने वाला, डी ई सी, डी ई सी, ट्राइंगल डी ई सी। फिर किसको देखता हूं मैं यहाँ पे, इसको देखता हूँ 3 5 को, तो 3 5 से बनने वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, ये है डी बी सी, डी बी सी। और 4 और 5 से और बन रहा है एक ट्राइंगल यहाँ पे, ठीक है ना, 4 5 से ये वाला ट्राइंगल बनेगा, तो ये है बी सी ई, ट्राइंगल बी सी ई। तो इसमें कितना ट्राइंगल हो गया, और तो नहीं बनता ना कोई 2 ट्राइंगल से, हाँ और नहीं बनेगा कोई, तो इसमें आ गए हमारे टोटल 4 ट्राइंगल, कितने आ गए, 4, इसमें तो 5 थे। अब देखते हैं 3 पेयर से बनते हैं क्या कोई, तो राइट करता हूँ मैं 3 पेयर्स, तो 3 पेयर से देखिए, हाँ ये बनता है यहाँ पे 1 2 3 से एक, तो 1 2 3 से बन गया एक, इसका नाम क्या है, ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है। और कौन सा बनता है 3 से, ये बन जाएगा 1 2 4 से, 1 2 4 है ना, तो 1 2 4 से बन जाएगा एक ट्राइंगल, तो ये आएगा ए डी सी, ट्राइंगल ए डी एन सी, ठीक है भाई। और बनता है क्या इससे, 3 से, 3 से और नहीं बनेगा कोई, तो इसमें कितना आ गए, 2 आ गए, और क्या बनेगा इसमें, ये पूरा बन जाएगा एक ए बी सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे होल से कितना बनता है, होल से बनता है एक। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स तो ये हो गए हमारे पास, देखो इसमें कितने थे, 5 4 9 2 11 और 1 12, तो राइट करते हैं 5 + 4 + 2 + 1, तो ये आ गए टोटल 12 ट्राइंगल्स बनेंगे इसमें। इसके बी पार्ट में हमको ये फिगर दी गई है, तो इसमें हमको टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड आउट करने हैं, तो इस फिगर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे जो सिंगल ट्राइंगल बन रहे हैं उनको लूंगा, ठीक है, तो मैं इधर राइट कर देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो सिंगल जो ट्राइंगल है यहाँ पे कितने हैं, वो है 12, तो राइट करेंगे यहाँ पे 12 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है ना सिंगल। अब यहाँ पे पेयर लेते हैं, तो जब देखिए मैं इसमें देखता हूँ ना ट्राइंगल में, यहाँ पे मतलब इस फिगर में देखता हूँ, तो 2 ट्राइंगल से कोई ट्राइंगल नहीं बनता, ये क्वाड्रिलेटरल बनता है एक, ठीक है, किसी भी तरह से देख लीजिए आप, 8 9 देख लीजिए, 9 10 देख लीजिए, 8 3 देख लीजिए, यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म नहीं होता है। 3 के पेयर में भी सेम आपका ट्राइंगल नहीं बनता, जैसे मैं देखूँ 2 3 4 और या फिर 2 3 8, इससे हमारा ट्राइंगल नहीं बनता है, 4 के पेयर से बन जाएगा हमारा। देखो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 4 के पेयर से, कैसे बनेगा 4 के पेयर से, देखो ये 2 3 4 और 8, तो ये वाला ट्राइंगल बना यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है आपको, 2 3 4 8 ऐसे, तो मैं राइट करता हूँ 2 3 4 8, इससे एक ट्राइंगल बना हमारा। अब यहाँ पे एक और आ जाएगा 4 5 6 10, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, 4 5 6 10, तो राइट करते हैं 4 5 6 10। आगे इसमें और बनता है क्या, देखो यहाँ पे बन जाएगा 8 9 10 12, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल 8 9 10 12, तो मैं राइट करता हूँ 8 9 10 12, ये बन गया एक। और कुछ बन सकता है क्या इसमें, इसमें यहाँ पे ये बनेगा हमारा, देखो
एक तीन चार पांच, ये ट्राइंगल बनेगा। तो मैं ऐड करता हूँ एक तीन चार पांच, और बन सकता है क्या इसमें? यहाँ पे बन सकता है, देखो ये बन सकता है ये वाला ट्राइंगल, 3 7 8 9, ठीक है ना, ये 3 7 8 9, 3 7 8 9 से बन जाएगा एक ट्राइंगल। और किससे बनेगा? यहाँ पे ये बन जाएगा, देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, 5 9 10 11, तो मैं राइट करता हूँ 5 9 10 और 11, इससे बन जाएगा एक ट्राइंगल। ठीक है, और कोई बन सकता है क्या यहाँ पे? तो और जब मैं देखता हूँ यहाँ पे 8 9 10 12, ये तो बन गया ना हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे इससे 6 ट्राइंगल बनते हैं आपके 4 के पेयर से। फिर उसके बाद में 5 का देखता हूँ तो 5 से नहीं बनता, 6 का देखता हूँ तो 6 से नहीं बनता, 7 से 8 से 9 से बन जाएगा यहाँ पे, 8 तक तो बनेगा नहीं, 9 से कैसे बनेगा? देखो ये जो है ना, यहाँ पे पूरा जो ट्राइंगल है इसमें 9 छोटे छोटे ट्राइंगल है, देखो यहाँ से यहाँ तक, इसमें 1 और 3 4, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1 और 3 4 और 5, यहाँ पे 9, और उसी तरह से दूसरे में, तो 9 के पेयर से आपके कितने बनते हैं? 2 ट्राइंगल बनते हैं। ठीक है, तो टोटल ट्राइंगल्स कितने हो गए आपके? टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो ये हो गए, सबको ऐड कर देता हूँ, 12 जमा 6 जमा 2, 12 6 18 2 20, तो इसमें टोटल 20 ट्राइंगल्स बनेंगे इसमें।